Welcome students. Today we are going to study about the media used for tissue or cell culture. Okay, cell culture medium are complex mixture of salts. Medium mainly includes carbohydrate, vitamins, amino acids, growth factors, hormones and trace elements. Sodium bicarbonate, phosphate and HEPES for pH and osmolality. Phenol red, a pH indicator, is also added for a colorimetrically monitor changes in pH. Okay, phenol red एक stain है जो कि pH indicator stain है, वो observation colorimetrically observation के लिए pH का changes के लिए वो add किया जाता है media के अंदर, और sodium bicarbonate ये जो pH maintain करने के लिए add किया जाता है, और उसके साथ साथ vitamins, carbohydrate, amino acid, growth factor, hormones and trace elements भी media के अंदर होते हैं. तो आज के आप देख रहे थे हम, तो मीडिया जो कि सेल और टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये क्या होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सॉल्ट्स का. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, मीडिया फॉर टिश्यू कल्चर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ एनिमल सेल्स एंड टिश्यूज. ओके, एंड द टाइप्स आर नेचुरल मीडिया एंड सिंथेसाइज मीडिया. यहाँ पे दो कैटेगरी है, दो टाइप्स है मीडिया के जो एनिमल सेल कल्चर के लिए यूज़ किया जाते हैं. वो टाइप्स है नेचुरल मीडिया और सिंथेसाइज्ड मीडिया. ओके, सी हियर, नेचुरल मीडिया. नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सफिशिएंट फॉर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एनिमल सेल एंड टिश्यूज. नेचुरल मीडिया जो होता है, द मीडिया विच इज टेकन एज इट इज प्रेजेंट इन नेचर. ओके, जो नेचर में जैसे के वैसा प्रेजेंट है, वैसा ही लिया हुआ मीडिया को नेचुरल मीडिया कहता है. और इसमें जो इन्ग्रीडियंट होते हैं उनका कंसनट्रेशन, एग्जैक्ट कंसनट्रेशन वो अननोन होता है. एग्जैक्ट नहीं, सब इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं, लेकिन उसका ईच इंग्रेडिएंट्स का कंसंट्रेशन हमें अननोन होता है. ओके, तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट सफिशिएंट फॉर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एनिमल सेल एंड टिश्यूज इज नोन एज नेचुरल मीडिया. ओके, दिस नेचुरल मीडिया इज यूज टू प्रमोट सेल ग्रोथ, यूज टू प्रमोट सेल ग्रोथ. एंड नेचुरल मीडिया इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज. दैट कैटेगरीज आर कोएगुलेंट, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स. ओके, तो नेचुरल मीडिया क्या होता है, जो नेचर में जैसे कि जिस फॉर्म में अवेलेबल है उसी फॉर्म में लिया जाता है, और वो जो ग्रोथ को प्रमोट करता है वो उसे नेचुरल मीडिया कहते हैं. और नेचुरल मीडिया भी थ्री डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, कोएगुलेंट, बायोलॉजिकल फ्लूइड एंड टिश्यू एक्सट्रैक्ट. लेट्स सी वन बाय वन. कोएगुलेंट, कोएगुलेंट, प्लाज्मा क्लॉट्स आर यूज एज कोएगुलेंट्स. ओके, कमर्शियली प्लाज्मा क्लॉट्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा एंड विच इज केप्ट इन सिलिकॉन एम्बोल्स और लायोफिलाइज्ड प्लाज्मा. ओके, तो कोएगुलेंट्स बोल के क्या यूज़ किया जाता है, तो प्लाज्मा क्लॉट्स आर यूज किया जाता है एज ए कोएगुलेंट्स. ओके, ऑल्सो इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज टेकिंग आउट ब्लड फ्रॉम मेल फाउल एंड एडिंग हेपेरिन और एंटी कोएगुलेंट एजेंट. जैसे नेचुरली वो प्लाज्मा क्लॉट्स, प्लाज्मा क्लॉट भी कोएगुलेंट बोल के यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर एक मेल फाउल के ब्लड को लेके, और वो मेल फाउल के ब्लड के अंदर हेपेरिन और एंटी कोएगुलेंट एजेंट डालने के बाद कोएगुलेंट अपने को प्लाज्मा क्लॉट मिल जाए. And source of various amino acids. Serum is important component and source of various amino acids, hormones, lipids, vitamins, polyamines. Okay. Also, serum contains growth factor which promotes cell proliferation, cell attachment and adhesion factors. तो serum क्या है, तो ये various amino acids का, hormones का, lipids का, vitamins का और polyamines का source है, important source है. और इसमें क्या क्या होता है, तो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि सेल को प्रोलीफरेट करने में प्रमोट करते हैं, सेल को अटैचमेंट एंड एडिशन फैक्टर के लिए हेल्प करते हैं. ओके,
Let's move towards biological fluids. Biological fluids, salts containing ions such as calcium, ferrous, ferric, potassium, etc. are the biological fluids. Okay, serum is obtained from human blood. Serum is obtained from human blood, placental cord blood, horse blood, and calf blood. Okay, other biological fluids are coconut water, amniotic fluid, pleural fluid, aqueous humor, and culture filtrate, etc. Tissue extract. Tissue extract may be embryo extract, extract from tissues such as embryo, liver, spleen, leukocytes, tumor, bone marrow, etc. तो मीडिया बायोलॉजिकल फ्लूड में टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं, जो कि एम्ब्रियो से एक्सट्रैक्ट किया, एम्ब्रियो को एक्सट्रैक्ट करके ले सकते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ का एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, जैसे कि एम्ब्रियो है, लीवर है, स्प्लीन है, ल्यूकोसाइट्स है, ट्यूमर है, बोन मैरो है, इसके टिश्यू एक्सट्रैक्ट बोल के आप नेचुरल मीडिया में ले सकते हैं. नेक्स्ट सिंथेटिक मीडिया. सिंथेटिक मीडिया प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन आर्टिफिशियली बाय एडिंग several inorganic and organic nutrients such as vitamins, salts, serum, proteins, carbohydrates, cofactors, etc. Synthetic media is also known as artificial media. Okay, the major difference between synthetic media and natural media is that all the ingredients and their concentrations which are present in synthetic media is known. Okay, and why in case of natural media, we know the ingredients, but their concentration is unknown. We don't know the exact concentration of that ingredient which are present. Okay, this is the difference between the artificial media and natural media. Okay. Synthetic media are prepared for different types of cell and tissues culturing. Basically, it is divided into following different types, four different types. Serum containing media, serum free media, protein free media, chemically defined media. Serum containing media, MEM, minimum essential media. It contains more than 20 types of substance, which can be divided into four subgroups. CO2 with glucose, amino acid, in that amino acid, arginine, cysteine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, thionine, tryptophan, histidine, tyrosine, and valine. These are the many amino acids are present there. Okay, minimum essential media, serum containing media. Okay, vitamins, choline, chloride, folic acid, inositol, nicotinamide, thiamine, riboflavin, paradoxin. These vitamins are also present in the synthetic media. And inorganic salts like NaCl, KCl, CaCl2, magnesium sulfate, okay, yeah, NaHCO3, NaS2PO4, these inorganic salts are also present in synthetic media. Serum containing media, Eagle's minimum essential media, which is known as EMEM. First widely used medium formulated by Harry Eagle, contains EBSS, non-essential amino acids, and sodium pyruvate and higher level of serum. Serum containing media, Dalbicos modified Eagle's medium, which is known as DMEM, Dalbicos modified Eagle's medium. It has roughly twice the concentration of amino acid and four times vitamins as a EMEM, as well as ferric nitrate, sodium pyruvate, and some supplementary amino acids are present in serum containing media, Dalbicos modified media. Okay. Hybricare medium. A modification of DMEM. It is the modification of DMEM supplemented with insulin, oxaloacetic, and HEPES. Okay, and it is used for propagation of hybridomas and other fastidious cell lines. Okay, Hybricare medium. Serum containing medium. ISCOS modified Dalbicos medium, which is known as IMDM media, and which is formulated for the growth of lymphocytes and hybridomas. Okay, and it has additional amino acid, vitamins, inorganic salts as compared to DMEM media. Okay, it also contains HEPES and selenium as a buffer solution. Mycois 5A and RPMI 1640. Okay, see,
It is used to grow Nabokov's hepatoma cells and supports the growth of primary culture. Okay, RPMI is a modification of McCoy's and 5A. It is the modification of McCoy's and 5A. And it is developed for long-term culture of peripheral blood lymphocytes. Okay, RPMI also supports growth of variety of cells in suspension as well as monolayer culture. DMEM F12 medium. It is the mixture of DMEM and HAMS F12 in the ratio of 1:1. And it is extremely rich and complex medium, supports the growth of a broad range of cell type in both serum and serum-free formulation. Serum containing media, HAMS nutrients mixture, which is developed to support the clonal outgrowth of Chinese hamster ohri or CHO cells. EMEM modified with including HAMS F12 medium. Leibovitz L15 medium, which is formulated for use without CO2 incubation, as is found in teaching laboratories or when collecting biopsy samples done. Okay, NaCO3 or CO2 buffering system is replaced by a combination of phosphate buffers, which is free base amino acids, higher level of sodium pyruvate and galactose. Serum free media, which is used to grow specific type of cell and perform a specific application in the absence of serum. Advantages of serum free media, it is easier to purify and further processing of the culture. Serum free media is more consistent, it performs more consistently, it increases the growth or productivity, it is better control, it has better control over the physiological responses, it enhances the detection of cellular mediator. So these are the different advantages of serum free media. Protein free media, PFM. Protein free growth medium is a medium which do not contain any hormone or growth factor. Medium is optimized for cultivation of Chinese hamster ohri CHO cells specially. Absence of protein in the medium eliminates any transmission risk of blood-borne diseases and hence is safer. Chemically defined media. Medium in which chemical nature of all the ingredients and their amounts are known, which is known as a chemically defined media. Chemical defined media kya hota hai? To inke sabhi ingredients ka amount known hota hai. Amount kitna hai ye hame pata hota hai. To chemical defined media whose chemical nature of all the ingredients and their amounts are known. Chemically defined media, rat tail collagen. It is used as either a thin layer of on tissue culture surface to enhance the cell attachment, proliferation and promote expression of cell morphology and function, and suitable for variety of cells, hepatocyst, fibroblast and epithelial cells. So collagen fiber, rat tail collagen fiber, used as a thin layer on tissue culture surface to enhance the cell attachment. सेल के अटैचमेंट को एनहांस करने के लिए ये एज अ प्राइमरी लेयर, थिन लेयर ऑफ टिश्यू इसका यूज किया जाता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मीडिया, एनिमल सेल कल्चर मीडिया. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन.